होली की मस्ती के जितने रंग हैं उतनी ही अनोखी इसे मनाने की परंपराएं भी हैं। वहीं प्रयागराज में होली की अजीबोगरीब परंपरा है हथौड़े की बारात। इस अनूठी शादी में एक भारी भरकम हथौड़ा दूल्हा होता है, जिसे पूरे शहर में घुमाया जाता है और बाराती होते हैं शहर के लोग। नाचते गाते बाराती पूरे शहर में घूमते हैं। इस दौरान शहर की गलियों में दूल्हे राजा की भव्य बारात निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ इसमें शामिल होते हैं। आपको बता दें कि ब्याह के लिए दूल्हे राजा हथौड़े को सजाया गया, फिर किसी की नजर न लगे इसलिए दूल्हे राजा की नजर उतारी गई और काला टीका लगाने के बाद आरती की गई। वहीं घंटों सजने संवरने के बाद दूल्हे राजा बैंड बाजे और डीजे की धुनों के बीच पूरी शान से शहर के सड़कों पर निकले। होली पर होने वाली इस शाही शादी में बाराती भी शामिल हुए, जो रास्ते पर आतिशबाजी और पटाखे छोड़ते हुए मस्ती में मगन होकर चल रहे थे। इस दौरान हथौड़े की बारात में वही भव्यता देखने को मिली जो किसी शाही शादी में देखने को मिलती। श्रीमान जी, मैं आज इस हथौड़ा बारात के मंच के माध्यम से आप लोगों के द्वारा इस देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये पूरा देश होली के पावन पर्व पर सारे वैमनस्य को, सारी आपसी कटुता को भुलाकर आपस में होली का त्यौहार मनाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये होली का पर्व हथौड़ा बारात जो प्रयागराज में उठती है, ये इलाहाबाद शहर से होली की शुरुआत का प्रतीक है और भविष्योत्तर पुराण के 226वें श्लोक में लिखा है कि हथौड़े की उत्पत्ति इसी प्रयागराज पर, इसी गंगा किनारे बड़े हनुमान मंदिर के नीचे भगवान विश्वकर्मा ने की थी। हम लोगों के लिए हथौड़ा बारात इसलिए प्रिय है कि हथौड़ा हमारे प्रयाग की जान है और हम लोग होली के अवसर पर, होली की उपलक्ष्य पर इस होली को फागुनी उत्सव पे मनाने के लिए एक से एक फागुनी बिहार डालते हुए सबको लंतरानी बाज बनाते हैं, सबको चौकड़ बाज बनाते हैं, सबको जलदार बनाते हैं और सबको डब्लू ढकेल बनाते हैं। पूरा देश होली पर जम के लंतरानी बाजी करता है। तो मैं संजय सिंह, हथौड़ा बारात का संयोजक, आप पूरे हिंदुस्तानियों को होली पर लंतरानी बाजी की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।